गाइस, इट्स अंकित झा वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल स्किल फ्लाइस आज के इस वीडियो में आपके लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट लेके आया आयु कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस सी से लेके कंट्रोल प्लस जेड तक जो आपके कंप्यूटर चलाने की जर्नी में आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर कीबोर्ड दिख रहा होगा तो इस कीबोर्ड में देखो इधर होता है कंट्रोल इधर भी होता है कंट्रोल ये दोनों कंट्रोल आप यूज कर सकते हो कंट्रोल के ऊपर है सिफ्ट और इधर भी है सिफ्ट जब मैं बोलूंगा कंट्रोल प्लस ए दबाने के लिए तो आपको सबसे पहले कंट्रोल को प्रेस करके रखना और फिर ए को प्रेस करना है अगर मैं बोलूंगा कंट्रोल प्लस बी प्रेस करने के लिए तो आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है बी को प्रेस करके रखना है फिर जब मैं बोलूंगा कंट्रोल प्लस सी प्रेस करने को तो कंट्रोल को आपको प्रेस करके रखना कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करना है तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ तो मैं आपको समझाता हूं शॉर्टकट की लाइन बाय लाइन तो सबसे पहले हम चलते हैं कंट्रोल प्लस ए की तरफ कंट्रोल प्लस ए का क्या काम होता है कंट्रोल प्लस ए का काम का होता है सारे टेक्स को एक साथ ही सेलेक्ट करना है। जैसे कि देखो कंट्रोल प्लस ए सारा टैक्स ऑटोमेटिकली एक साथ ही सेलेक्ट हो गया ना देखो तो कंट्रोल प्लस ए का काम होता है सारे टेक्स को एक साथ ही सेलेक्ट करना जैसे कि हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जैसे कि यहां पे हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी और यहां पे हम सारे टेक्स्ट को एक साथ ही सेलेक्ट करेंगे थोड़े से टेक्स्ट को हम ले लेते हैं इसके बाद कंट्रोल प्लस ए देखो सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया ना तो कंट्रोल प्लस ए का काम होता है सारे टेक्स्ट को एक साथ ही सेलेक्ट करना सेलेक्ट ऑल टैक्स जैसे कि देखो इधर है हमने थोड़े से टैक्स को ले लिया और कंट्रोल ए तो देखो सारा टैक्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया ना तो कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा सारे टेक्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ ही जैसे कि देखो ये पीडीएफ मैंने दे रखा है टेलीग्राम पे तो आप यहां से डाउनलोड करके कर देख लेना अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस बी की तरफ कंट्रोल प्लस बी का क्या काम का का होता है जैसे कि देखो हमें किसी भी वर्ड को बोल्ड करना है तो हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो देखो बोल्ड हो गया ना कंट्रोल प्लस बी का मेनली काम होता है बोल्ड करना किसी भी वर्ड को जैसे कि देखो हमें पूरे को बोल्ड करना है तो सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल प्लस बी देखो बोल्ड कंट्रोल प्लस बी देखो बोल्ड हो गया वापस से कंट्रोल प्लस बी अनबोल्ड कंट्रोल प्लस बी बोल्ड तो कंट्रोल प्लस बी का काम होता है मेनली बोल्ड करना टेक्स को अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस सी की तरफ कंट्रोल प्लस सी का क्या काम होता है कंट्रोल प्लस सी का काम होता है कॉपी करना किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइल को वर्ड को जैसे कि देखो वीडियो को हमें कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी देखो कॉपी हो चुका होगा इसके बाद हम क्रोम पे चलते हैं कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है वो हम आगे समझेंगे कंट्रोल प्लस वी पेस्ट हो गया एंटर देखो कंट्रोल प्लस सी का मेनली काम होता है कॉपी करना

फ को बोल्ड करना है इसके बाद हम इसका साइज 24 कर देना है इन सब में से और भी कुछ चेंज करना आप कर सकते हो फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो पे तो मुझे अभी कुछ नहीं करना इसके बाद ओके तो देखो चेंज हो गया ना तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो खुल जाएगा कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये जो सारे शॉर्टकट्स है ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट क्रोम हर जगह यूज होंगे तो आप हर जगह यूज कर सकते हो अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस ई की तरफ कंट्रोल प्लस ई का मतलब होता है टेक्स को सेंटर में अलाइन करना जैसे कि देखो कंट्रोल प्लस ई सेंटर में अलाइन हो गया टेक्स वापस से कंट्रोल प्लस ही नॉर्मल हो गया तो मैं आपको पहले ही बता दू जैसे कि देखो कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है ना वापस से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे तो अनबोल्ड कंट्रोल प्लस ई से देखो सेंटर में होता है कंट्रोल प्लस ई वापस प्रेस किया तो नॉर्मल तो दूसरी बार जब भी प्रेस करोगे नॉर्मल हो जाएगा समझे तो कंट्रोल प्लस ई का काम होता है टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना देखो हो गया ना सेंटर में अलाइन तो कंट्रोल प्लस ई का काम होता है सेंटर में अलाइन करना अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस एफ की तरफ कंट्रोल प्लस एफ का काम होता है वर्ड को ढूंढना जैसे कि देखो मुझे डॉक्यूमेंट ढूंढना है कहा का है मैंने डॉक्यूमेंट लिखा देखो ो जहाजर डॉक्यूमेंट होगा ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका होगा जैसे कि क्रोम में भी मैं यूज करके दिखाता हूँ जैसे कि मैं लिख देता हूँ डी ओ देखो आ गया ना कंट्रोल पहले मैंने क्या किया कंट्रोल प्लस एफ क्लिक किया तो ऊपर ये खुल जाएगा इसका वीडियो वीडियो लिखा जहां जहां होगा हाईलाइट हो जाएगा तो कंट्रोल प्लस एफ का, का काम होता है वर्ड को ढूंढना फाइंड अ फ्रेश इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल प्लस जी की तरफ कंट्रोल प्लस जी से क्या होगा ना कंट्रोल प्लस जी से गो टू विंडो खुल जाएगा ये होता है गो टू विंडो जैसे कि देखो मैंने वापस से कंट्रोल प्लस जी प्रेस किया होता है गो टू विंडो जैसे कि देखो मुझे थ लाइन में जाना है तो हम गो टू विंडो लाइन

मैंने इन पूरे को सेलेक्ट किया देखो जैसे कि देखो ये आगे है ये पीछे है ये आगे है, ये पीछे ये आगे पीछे पर हमें जैसे देखो इधर एक लाइन में पर इधर एक लाइन में नहीं है जस्टिफाई करना मतलब क्या कर होता है दोनों एक लाइन में आ जाएंगे जैसे कि देखो कंट्रोल जे देखो हो गया ना जस्टिफाई अब अच्छा लग रहा है पहले क्या था जैसे कि ये देखो ये देखो आगे पीछे नहीं लग रहा है काफी ज्यादा तो हम कंट्रोल प्लस जे दबी प्रेस करेंगे जस्टिफाई हो जाएगा एक लाइन में आ जाएगा पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ जिसे सही लगता है है लुक अच्छी आती अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस जे की तरफ कंट्रोल प्लस जे हो गया जस्टिफाई करना होता है अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस के की तरफ के मतलब क्या होता है हाइपर लिंक को एड करना विंडो में हाइपर लिंक क्या होता है जैसे कि मानो मुझे एड करना स्किल फ्लाइस में कोई वर्ड एड करना है तो हम इस पर जाएंगे और हम कहेंगे कंट्रोल प्लस के देखो हाइपर लिंक की विंडो खुल गई इधर जैसे मैं कीबोर्ड की इमेज ऐड करता हूं जैसे कि देखो कीबोर्ड की इमेज ऐड करता हूं कीबोर्ड ओके okay. ओके इधर अब की की इमेज ऐड हो गई अब देखो जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करके इसके पास जाऊंगा एक लिंक आ जाएगा इस पर मैं प्रेस करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड खुल जाएगा हाइपर लिंक क्या होता है ना नॉर्मली जैसे हमें किसी भी वर्ड में कोई इमेज वीडियो लिंक ऐड करनी है ना तो उसके लिए हाइपर लिंक होता है जैसे कि देखो इधर लिंक एड हो गया मैं जब भी प्रेस करूंगा स्किल स्लाइस पे तो ऑटोमेटिकली क्या खुल जाएगा ये खुल जाएगा की तो इसके लिए हाइपर लिंक का काम का होता है कंट्रोल प्लस के अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस एल की तरफ कंट्रोल प्लस एल का क्या काम होता है लेफ्ट अलाइन करना लेफ्ट साइड में अलाइन करना जैसे कि देखो इसको मैंने क्लिक किया जैसे कि नहीं देखो किसी और पैराग्राफ में चलते इस पे चलता हूँ लेफ्ट साइड अलाइन करना कंट्रोल प्लस एल देखो जैसे कि मैं सेंटर में कर देता हूं सेंटर में है अभी देखो कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट में अलाइन हो गया लेफ्ट में अलाइन हो गया देखो लेफ्ट तो कंट्रोल का का करना अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस एन की तरफ कंट्रोल प्लस एन का का काम होता है देखो कंट्रोल प्लस एन से नया वर्ड खुल जाएगा मतलब एकदम ब्लैंक वर्ड खोलना है तो कंट्रोल प्लस एन जैसे कि ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है ऑफिस खोलना है एक्सेल खोलना है तो उसके लिए देखो मैं वापस दिखा देता हूं आपको जैसे देखो कंट्रोल प्लस एन जब भी मैंने प्रेस किया नया वर्ड खुल गया एकदम तो कंट्रोल प्लस एन का काम होता है एकदम नया वर्ड एक्सेल सब खोलना अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस ओ की तरफ कंट्रोल प्लस ओ का क्या काम होता है कंट्रोल प्लस ओ का काम होता है ओपन करना एग्जिस्टिंग फाइल को जैसे कि देखो ये सब एग्जिस्टिंग फाइल है हमें किसी को भी ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ से हम ओपन एग्जिस्टिंग फाइल पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली वर्ड एक्सेल और मतलब जहां जाए वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हर जगह कंट्रोल प्लस ओ से आप ओपन वाले पे चले जाओगे एग्जिस्टिंग फाइल्स में या डॉक्यूमेंट्स में कंट्रोल प्लस एन का क्या होता है न्यू डॉक्यूमेंट या फाइल खोलना और कंट्रोल प्लस ओ का क्या काम होता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या फाइल को खोलना हम चलते हैं कंट्रोल पी की तरफ कंट्रोल पी का काम होता है बेसिकली प्रिंट प्रिव्यू जैसे कि देखो देखो हमें करना है इसको तो देखो, print preview आ गया print करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का काम होता है करना किसी भी को करने के लिए -P का काम होता है अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस क्यू की तरफ कंट्रोल प्लस क्यू का क्या काम होता है कंट्रोल प्लस क्यू का काम होता है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग हटाना जैसे कि देखो किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटाना जैसे कि देखो यह है कंट्रोल प्लस क्यू मैंने प्रेस किया देखो फॉर्मेटिंग हट गई ना मतलब जैसे देखो सेंटर में अलाइन था कंट्रोल प्लस क्यू मतलब फॉर्मेटिंग हट गई पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटा देना उसको हम कहते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग हटा सकते हैं अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस आर की तरफ कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा राइट साइड में अलाइन करना जैसे कंट्रोल प्लस एल क्या था लेफ्ट साइड में अलाइन करना कंट्रोल प्लस आर है राइट right साइड में अलाइन करना देखो कंट्रोल प्लस आर राइट में अलाइन हो गया कंट्रोल प्लस आर का काम होता है राइट right साइड में अलाइन करना अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस एस की तरफ कंट्रोल प्लस एस का काम होता है डॉक्यूमेंट्स को सेव करना देखो आ गया ना सेव दिस डॉक्यूमेंट जब भी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रोल प्लस एस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का हम यूज करते हैं अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस टी की तरफ कंट्रोल प्लस टी का काम होता है हैंगिंग इंडेंट बनाना जैसे इंडेंट बनाना में क्या था जो बस इंडेंट बन गया कंट्रोल प्लस एम में इंडेंट बन जाता है था पैराग्राफ का कंट्रोल प्लस टी में क्या हैंगिंग इंडेंट बनता है हैंगिंग इंडेंट मतलब जैसे कि देखो जैसे इस पैराग्राफ का बनाना है तो जो ऊपर की लाइन है वो ऐसे ही रहेगी बाकी का इंडेंट बनेगा जैसे कि देखो कंट्रोल प्लस टी देखो बस ऊपर की लाइन ऐसे ही है और ये इंडेंट बन गया बाकी पैराग्राफ इंडेंट बन गया तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग हैंगिंग इंडेंट 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 मतलब मतलब पे है है पहली लाइन का नहीं बनता बाकी सबका बन जाता कंट्रोल प्लस टी की हेल्प से और कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है पूरे पैराग्राफ का इंडेंट बन जाता है ये भी बेसिकली न्यूज में बहुत काम आता है अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस यू की तरफ कंट्रोल प्लस यू का क्या काम होता है अंडरलाइन करना जैसे देखो कंट्रोल यू देखो अंडरलाइन हो गया ना पैर टेक्स टेक्स को अंडरलाइन करने के लिए देखो कंट्रोल यू अंडरलाइन होगा कंट्रोल प्लस यू का हम यूज करते हैं अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस वी की तरफ कंट्रोल प्लस वी का काम का है जैसे देखो इसको मैंने कॉपी किया अब कंट्रोल वी का काम है कंट्रोल वी का काम है पेस्ट करना देखो कंट्रोल वी पेस्ट हो गया ना तो कंट्रोल वी का काम होता है पेस्ट करना किसी भी टेक्स को तो कंट्रोल सी का काम है कॉपी करना कंट्रोल वी का काम है पेस्ट करना अब हम चलते हैं कंट्रोल डब्ल्यू की तरफ कंट्रोल डब्ल्यू का काम होता है ना कंप्लू कंट्रोल प्लस डब्लू का काम होता है क्लोज करना किसी भी डॉक्यूमेंट को वर्ड में देखो कंट्रोल डब्ल्यू देखो क्लोज हो जाएगा क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है ना सेव इसलिए कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सेव करना है कि नहीं जब सेव या डोंट सेव पे क्लिक करूंगा क्लोज हो जाएगा तो अभी क्लोज नहीं करना कैंसिल मुझे ना लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये डेमो पैराग्राफ कैसे आता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो पैराग्राफ के लिए इक्वल्स टू आर ए एन डी एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंटर देखो आ गया ना तो डेमो के लिए आपको क्या करना है इक्वल्स टू आर ए एन डी एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज एंटर तो हो जाएगा अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस एक्स की तरफ कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है कट करना जैसे देखो थीम को कट करना कंट्रोल एक्स देखो कट हो गया अब पेस्ट कर देता है कंट्रोल प्लस वी से देखो कंट्रोल प्लस वी से मैं इसको पेस्ट कर देता हूं हो गया पेस्ट तो कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है कट करना कंट्रोल प्लस सी का काम होता है कॉपी करना कंट्रोल प्लस एक्स का काम होता है कट करना कंट्रोल प्लस वी का काम होता है पेस्ट करना अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लस वाई की तरफ वाई और जेड एक दूसरे का रेसिप्रोकल है जैसे कि मैं दिखा देता हूँ जैसे कि मैं दिखाता हूँ आई एम अंकित झा अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल प्लस जेड पे तो देखो हट गया कंट्रोल प्लस वाई पे तो आ गया वाई का काम होता है रीडो करना रीडो करना और जेड का काम होता है अंडो करना समझे रीडो अंडो समझिए ना ये होता है देखो जैसे अंडो फिज रीडो तो इन दोनों का काम कंट्रोल वाई जेड करता है वाई क्या करता है रीडो करता है जेड क्या करता है अंडो करता है तो यही है कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक के शॉर्टकट कीस तो ऐसी हेल्पफुल वीडियोज देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी आपको शॉर्टकट्स चाहिए तो कमेंट कर दो क्योंकि की में टोटल वन हंड्रेड एंड फोर कीस है बहुत सारे शॉर्टकट्स है तो आप मुझे बताओ तो मैं और शॉर्टकट्स ले आऊंगा तब तक बाय बाय